इस वक्त मैं गुजरात और एमपी इंदौर इंदौर जा की तरफ जा रहा हूँ। इंदौर से फिर हम भोपाल जाएंगे और उसके बाद यूपी। क्या हो रहा छोटू? सैफ अंसारी जी कैसे हैं आप लोग? लाइव देख रहे हैं आप लोग। सुनील प्रजापति जी कैसे हैं आप? मुंबई से बिहार के लिए रवाना हो चुके हैं और इस वक्त मैं गुजरात और एमपी के बॉर्डर पर पहुंच चुका हूं। हमारे साथ भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता गीतकार संगीतकार श्याम देहाती जी हैं। दिखा रहा हूँ आप लोग को कितना खूबसूरत नजर लग रहे हैं। नमस्कार। आप बहुत अच्छी लग रही है ये। बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। अब थोड़ा सा ये कोरोना का प्रकोप कम होगा तो थोड़ा हम लोग नॉर्मल हो जाएगा मुंबई, तो फिर आएंगे क्योंकि अभी वहाँ पे बहुत टेंशन है। इस वक्त फिल्म राइटर मनोज पांडे के इलाके में से मैं गुजर रहा हूँ, एमपी में आ चुका हूँ। कैसे हैं मनोज पांडे जी? निशांत शमसी जी कैसे हैं? नमस्कार। गब्बर सिंह जी कैसे हैं आप? मुकेश साहू जी, मैं इस वक्त निकल चुका हूँ और बिहार जाने के लिए रास्ते में हूँ और हमारे बड़े फिल्म निर्माता प्रदीप भैया इस वक्त लाइव देख रहे हैं। प्रदीप भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? संजय मिश्रा जी नमस्ते। चुनू पंडित जी नमस्ते, कैसे हैं आप? इंदु दीदी नमस्ते, आ रहा हूँ बिहार। आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था, सोचे चलो मुलाकात कर लेते हैं आप लोगों से। हम मुंबई से जा रहे हैं बिहार। मुंबई में थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी था, सोचे जरा बिहार में ठंडी ठंडी का मजा लिया जाए। और ये देखिए एमपी की सड़क है, एमपी की सड़क आप देख रहे हैं। चुनून भैया हम आ रहे हैं बिहार। अजय भूषण जी कैसे हैं? अमित कुमार सिंह नमस्कार, अमित जी कैसे हैं? राकेश साहू जी कैसे हैं? राकेश रंजन जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं इस वक्त बहुत, आप लोग देख रहे हैं गाड़ी में बैठ कर लाइव किया हूँ वीडियो, आप लोग को लोकेशन दिखा रहा हूँ थोड़ा टाइम पास के लिए। घर में बैठे बैठे जो लोग कोरोना की वजह से बोर हो गए हैं वो लोग दूर से ही गांव देहात के लोकेशन का नज़ारा ले लीजिए। ऊपर से लिफ्ट लाइव को एंजॉय कीजिए। भोजपुरी सिनेमा जिंदाबाद, भोजपुरी सिनेमा जिंदाबाद है रहेगा। मजे लेते रहिए, सिनेमा देखते रहिए। आजकल यूट्यूब पर सिनेमा खूब धड़ल्ले से चल रहा है। गर्दा उड़ेगा, नया नया गाना आने वाला है श्याम देहाती का, तो आपको तो सुनने के लिए मिलेगा। ये इंदौर जाने वाली रास्ता है। थैंक यू अमित जी, कैसे हैं आप लोग? सुनील शुभ जी नमस्कार, नमस्कार कैसे हैं आप? श्याम देहाती हैं, श्याम देहाती जी जरा रास्ते में कोई गाना गुनगुना दीजिए। रास्ते में एक ही गाना याद आ रहा है, जिंदगी एक सफर, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और आज हम लोग अपना सफर कल रात में स्टार्ट किए थे मुंबई से 10 बजे रात से, और अब मुंबई एमपी में इंदौर पहुंचने वाले हैं कुछ घंटों में। रविंदर टुटेजा जी हम लोग शाम को जो है ना कानपुर में मिलेंगे आपसे, कानपुर होके लखनऊ आएंगे। और ये सेव कट के आ चुका है, अगर सेव खाना है किसी को तो खा ले, ठीक है। टुटेजा जी नमस्ते। प्रदीप भैया कैसे हैं? अरे गायक सुनील भैया हम आ रहे हैं बिहार आप लोगों से मिलने के लिए। इंद्रजीत शर्मा जी नमस्ते, सेव खाइएगा। और सुनाइए क्या हाल चाल है आप लोगों का? अच्छा है। अच्छा है। आयुषा जी सेव खा लो थोड़ा। कितना सौ किलोमीटर अभी तक हम चले? 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी 1200 किलोमीटर और चलना है। हम पहाड़ी पर चढ़ गए हैं, ये लोकेशन देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को। ये है इंदौर का नजारा,
का हाईवे, ये इसको बोलते हैं अहमदाबाद इंदौर हाईवे का ये सड़क है जो पहाड़ पे एकदम घूम घूम के, जैसे कसारा घाटी में रास्ता है ना उतना तो कठिन नहीं है, लेकिन उसी तरह का ये भी रास्ता है। आप देख सकते हैं इधर कितने पहाड़ी इलाके हैं और चारों तरफ खूबसूरती का एकदम अंबार है। इनकर कानों दुखाए लग रहा, लगा था कि हवा भर गई पहाड़ पे चढ़ के। बिहार आप कैसे हैं? केशव कुमार जी, रजनीश जी कैसे हैं? समर्थ चतुर्वेदी भैया नमस्ते, आपके शहर पहुंचने वाला हूं भोपाल में। अभी मैं इंदौर के रास्ते से आ रहा हूं भोपाल, तो भोपाल में कहाँ मिलिएगा जरा लोकेशन सेंड कर दीजिए और लिट्टी चोखा तैयार रखिए, ठीक है? साथ में आलू और बैंगन का चोखा बना दीजिएगा मिर्ची और प्याज लहसुन डाल के। क्या भाई और कुछ डलवाना है? जवाइन मंगराइल कुछ डाले ऊपर से ऊपर से मिर्ची भी थोड़ा सा अलग से रख लीजिएगा, बहुत मिर्ची खाता है। तो ये जो लोकेशन है हम आप लोग दिखाने के लिए लाइव आए थे, आप लोग का भी थोड़ा कोरोना के चक्कर से मुक्ति मिल जाए ये लोकेशन देख के। तो ये देखिए यह है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का इलाका। सड़क जो है ना कितना खूबसूरत लग रही है। सुजीत भैया कैसे हैं? मनोज हंसराज जी कैसी हैं? मनोज हंसराज जी, पिंटू यादव जी, उदय उधारी बाबू का हाल चाल बा? हम मानिए देहाती जी बड़न गाना लिखे खाते बैठा ले रहे हैं नया फिल्म बनाए के ना। मनोज पांडे जी कहाँ बड़ो? श्याम सुंदर पाल जी कैसे हैं आप लोग?